अस्सलाम वालेकुम आर फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। तो सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद, हंसता हंसाता और मुस्कराता रखे। तो जी, आशा के सलोन में वेलकम है। आज आशिफा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई है। ये रेमेडी स्किन ग्लो के लिए है, शाइनिंग के लिए है। मुझे किसी ने कमेंट किया था आप ही हाथों के लिए, पाओं के लिए, फेस के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बता दें। तो जी, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम जो मेरी रेमेडीज की वीडियो आपके पास आती रहे। तो जी फ्रेंड्स, रेमेडी की तरफ चलते हैं कि रेमेडी में क्या क्या चीज़ें लेनी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त है, स्किन वाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए, शाइनिंग के लिए। रेमेडी में क्या चीजें हमने लेनी है? सबसे पहले हमने लेने हैं 2 चावल के आटे के 2 चम्मच लेने हैं, 2 हमने लेने हैं बेसन के चम्मच लेने हैं, 2 चम्मच हमने लेने हैं शहद के। 2 चावल के आटे के चम्मच लेने हैं, 2 बेसन के लेने हैं और 2 लेने हैं हमने शहद के, 1 हमने लेना है लीमू और 1 लेनी है हमने अंडे की सफेदी। ये ले लिया, उसके अंदर डालें विटामिन ई के 3 कैप्सूल डालें, उसका हमने डालना है, उसका बनाना है पेस्ट। अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना है, हमने अपने हाथों पे लगा लेना है, अपने पाँव पे भी लगा लेना है, फेस पे भी लगा लेना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये आपकी स्किन बड़ी प्यारी सी ग्लो हो जाएगी, शाइन में आ जाएगी। तो ज़रूर इस्तेमाल करें, हफ्ते में ये रेमेडी आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी लड़की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जिनके फेस पे एक्नी वगैरह दाने बने हुए हैं, ये रेमेडी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी रेमेडी है, ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर अच्छी अच्छी रेमेडी आपने देखनी है तो मेरे चैनल पर जाएं, देखें आसपास कुकिंग रेसिपीज, मेरा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छी अच्छी वीडियो देखें। तो मज़ीद और वीडियो और भी कोई रेसिपी पूछनी हो, कोई रेमेडी पूछनी हो, तो लाजमी मुझे कमेंट किया करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी सी रेसिपी दिया करूँगी, अच्छी सी रेमेडी भी दिया करूँगी। तो ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, बाय।